हेलो एंड वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम सेट सी। देर आर थ्री पर्सन्स एजेड 60, 65 एंड 70 ईयर्स ओल्ड। द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज पर्सन्स फॉर अनदर 5 ईयर्स आर 0.7, 0.4, 0.2 रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो तीन लोग हैं ये और 5 साल तक सर्वाइव करेंगे, उनकी ये प्रोबेबिलिटीज दी हुई है 0.7, 0.4, 0.2। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम सर्वाइव फॉर अनदर 5 ईयर्स। तो सपोज पर्सन ए है जिसकी एज है 60 ईयर्स और ये और 5 साल सर्वाइव करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी से पी ऑफ ए, ओके इससे हम ले लेते हैं एज 0.7। ओके तो इसमें से हमें पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाएगा 1 माइनस 0.7, सो दैट वुड बी 0.3। मतलब ए 5 साल और सर्वाइव करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7, और वो नहीं करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.7, दैट इज 0.3। वैसे ही सपोज बी जो है उसकी एज है 65 ईयर्स और वो आगे और 5 साल सर्वाइव करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ बी दिस इज 0.4। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 माइनस 0.4, ये हो जाता है 0.6। एंड पर्सन सी जिसकी एज है 70 ईयर्स, ये और आगे 5 साल सर्वाइव करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट यानी वो और 5 साल सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 0.2, सो दैट इज 0.8। अब हमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम सर्वाइव, at least two of them survive। अब at least two में मतलब दो लोग भी survive कर सकते हैं and ज़्यादा से ज़्यादा तीनों के तीनों भी survive कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब probabilities के option है, A survive करता है and B survive करता है but C survive नहीं करता है। second option होगा A survives but B does not survive and C survives, right? दो लोग तो हो गए, at least two कहा गया है, मतलब दो या उससे ज़्यादा भी survive हो सकते हैं। And third possibility ये वाला है, A survive नहीं करता है लेकिन B and C survive कर सकते हैं। अब इसमें तो दो दो लोग survive कर रहे हैं but at least two है, मतलब तीनों भी survive कर सकते हैं। Correct, that is probability of A surviving and B surviving and C surviving। अब ये जो events है survival का, ये है independent events, these are all independent events। तो multiplication theorem use करेंगे for independent events and we get, ये हो जाएगा P of A into P of B into P of C complement plus P of A into P of B complement into P of C plus next ये वाला हम लेते हैं third case P of A complement into probability of B into probability of C plus the last case that is P of A into P of B into P of C। अब ये सब values हमने obtain कर रखी है, so let us substitute, A is 0.7, B is 0.4, तो ये आ जाएगा 0.7 into 0.4 into probability of C complement है 0.8 plus P of A that is 0.7, P of B complement 0.6,
प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट इज 0.2, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.4 एंड सी की प्रोबेबिलिटी है 0.2 एंड लास्ट ए बी सी यानी 0.7, 0.4, 0.2, 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.2। अब ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.8। अब इसमें हम एम प्लस वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो ये एम प्लस कर देते हैं। फिर आता है 0.7 इंटू 0.6 इंटू 0.2, अगेन एम प्लस, देन 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.2 एम प्लस, एंड लास्ट 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.2 एम प्लस, एंड देन एम आर सी की अगर हम प्रेस करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा आता है 0.388। सो इफ वी जस्ट चेक द ऑप्शंस, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। टॉम स्पीक्स ट्रुथ इन 30% ऑफ द केसेस एंड डिक स्पीक्स ट्रुथ इन 25% केसेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉम स्पीकिंग ट्रूथ इज 30%। अब 30% को हम लिख सकते हैं एज 30/100 और 0.3। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉम नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ विल बी दैट इज पी ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट, यह आएगा 1 - 0.3 दैट इज 0.7। वैसे ही हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक स्पीकिंग द ट्रुथ इज 25%। अब 25% है 25/100, तो इसे हम लिख सकते हैं एज 0.25। एंड दिस पर्सन नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ दैट इज पी ऑफ डी डैश विल बी 1 - 0.25, ये आ जाता है 0.75। अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड कॉन्ट्रेडिक्ट ईच अदर, मतलब अगर एक आंसर ट्रू करता है तो दूसरा फॉल्स करेगा, राइट? कॉन्ट्रेडिक्टरी आंसर्स देने के इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सो प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट इज, अब हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर देते हैं। So, Tom speaks the truth, but Dick speaks false. और इसका रिवर्स केस, Tom का not speaking truth, but second person speaking false. तो अभी ये चारों values तो है हमारे पास। Probability of T, ये है 0.3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.3। P of D complement, that's 0.75. This is 0.7 और ये है 0.25। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0.3 इंटू 0.75 एम प्लस, देन 0.7 इंटू 0.25 एम प्लस, एंड देन एम आर सी अगर हम की प्रेस करते हैं वी गेट द आंसर एज 0.4। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी है 0.400, दो एक्स्ट्रा जीरोस दिए, दैट्स फाइन। सो आंसर इज ऑप्शन बी, या तो 0.4 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टू अर्न्स, सिंपल कंटेनर्स हम कह सकते हैं। द फर्स्ट अर्न कंटेन्स 3 red, ये first one है, and 5 white balls, and second on में there are 4 red and 6 white balls. Now ball is taken at random from the first on and is transferred to the second, मतलब यहाँ से यहाँ एक ball transfer किया है, अब कौन सा ball है ये पता नहीं।
नाउ अनदर बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेकेंड वन. तो पहले हमें बॉल ट्रांसफर करना है फर्स्ट टू सेकेंड, और फिर सेकेंड में से हमको एक बॉल ड्रॉ करना है. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल वुड बी रेड? तो ये जो बॉल है ये रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेकेंड बॉल मस्ट बी रेड. अब यहाँ पर देखें कि दो केसेस बन सकते हैं. दो केसेस कौन से? देखिए, फर्स्ट केसेस इसे डायग्राम से समझ लेते हैं. ये फर्स्ट, ये सेकेंड, यहाँ तीन रेड है, यहाँ पे फाइव वाइट है, इधर फोर रेड है एंड सिक्स वाइट है. फर्स्ट केस ये हो सकता है कि यहाँ से यहाँ हम एक रेड बॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ओके, तो ये जो रेड बॉल ट्रांसफ़र होने की जो प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, ये प्रोबेबिलिटी है. अब यहाँ कितने रेड बॉल्स है? तीन, और टोटल कितने हैं? आठ. सो रेड बॉल ट्रांसफ़र होने की प्रोबेबिलिटी है 3/8. अब इसमें से ट्रांसफ़र होने के बाद इसमें से हमें रेड बॉल ड्रॉ करना है. अब रेड बॉल ओरिजिनली कितने थे? चार, लेकिन एक रेड बॉल ट्रांसफ़र हो चुका है, तो अब रेड बॉल कितने हो गए? पाँच. एंड टोटल भी इंक्रीज हो गया बिकॉज एक बॉल ट्रांसफ़र हुआ है. तो टोटल पहले 10 थे, अभी ट्रांसफ़र होने के वजह से 11 हो गए. तो ये जो सेकेंड रेड बॉल यहाँ से आएगा, दैट द प्रोबेबिलिटी वुड बी 5/11. तो यहाँ की जो प्रोबेबिलिटी बनती है ये फर्स्ट केस की, दिस वुड बी 3/8 इंटू 5/11. सो दैट इज 15/88. अब सेकेंड केस डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट केस में हमने रेड बॉल ट्रांसफ़र किया है फर्स्ट टू सेकेंड. अब सेकेंड केस में देखिए, ये थ्री रेड है, फाइव वाइट, एंड सेकेंड में यू हैव फोर रेड एंड सिक्स वाइट. एंड सपोज नाउ अ वाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड, यहाँ वाइट बॉल ट्रांसफ़र हुआ है. वाइट बॉल आने के चांसेस कितने हैं? वाइट कितने हैं? फाइव. एंड टोटल कितने हैं? एट. सो 5/8. अब यहाँ से हमें रेड बॉल ही चाहिए. अब रेड बॉल का नंबर तो इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि वाइट बॉल ट्रांसफ़र हुआ है, तो रेड बॉल अभी भी कितने हैं? चार, लेकिन टोटल इंक्रीज हो गया. पहले 10 थे, अब 11 हो गए. तो ये भी प्रोबेबिलिटी मिलेगी 4/11. तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी जनरेट होती है वो है 5/8 इंटू 4/11. ना 5 4 ये हो जाता है 20, और नीचे आ जाता है 88. तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, अगर दोनों केसेस को हम कंबाइन करें, सो वी कुड से द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 15/88 प्लस 20/88. तो ये टोटल आ जाता है 35/88. तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज द आंसर. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. अब डिस्कस करते हैं 14th क्वेश्चन. फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 30%, 40% एंड 50% स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे फेल होने के चांसेस दिए हुए हैं. तो सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन फिजिक्स, पी ले लेते हैं हम, इसके चांसेस दिए हैं 30%, यानी 0.3 अगर डेसिबल्स में हम कन्वर्ट करें. प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट फेल्स इन केमिस्ट्री, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये है 40%, दिस 40/100 विच इज इवेंचुअली 0.4. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन एटलीस्ट वन, यानी पी यूनियन सी, ये वाली वैल्यू दी हुई है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%. नाउ 50% इज 0.5, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सी, इफ एन एग्जामिनी सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड इन फिजिक्स इफ इट इज़ नोन दैट ही हैज़ फेल्ड इन केमिस्ट्री. मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो है कि स्टूडेंट पास होना चाहिए फिजिक्स में, यानी पी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज पी तो फेल्ड इन फिजिक्स है, तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पास्ड इन फिजिक्स. इफ, इफ यानी गिवन दैट ही हैज़ फेल्ड इन केमिस्ट्री,
तो ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। सो लेट अस यूज द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट गिवन सी, इसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन, दैट इज पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, ये हम चाहें तो इसे कम्यूटेटिव लॉ से हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, सी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो बेसिकली दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली सी, राइट? सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस इंटरसेक्शन। तो ओनली सी का हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं यहाँ पर। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन पी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमें ढूंढना होगा बिकॉज वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, देन पी ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी यूनियन सी, ये है हमारे पास। ये तीनों हम यहाँ पर यूज करेंगे टू फाइंड इंटरसेक्शन यूजिंग द एडिशन फॉर्मूला। पी ऑफ सी माइनस, अगर हम एडिशन फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन, यहाँ पर यूनियन आएगा बिकॉज हम ढूंढ रहे हैं इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर हमें यूनियन लिखना चाहिए बिकॉज यू आर फाइंडिंग इंटरसेक्शन, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। अब सी की प्रोबेबिलिटी है 0.4, पी इज 0.3, यूनियन इज 0.5, ओके? तो दिस इज 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 0.4। तो यहाँ पर हमने ये एडिशन थ्योरम यूज़ किया है इस वाले पार्ट में। वी हैव अप्लाइड द एडिशन थ्योरम टू फाइंड इंटरसेक्शन, ओके? तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस, ये टोटल आता है 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4। तो फाइनली वी हैव 0.2 बाय 0.4, डेसिमल्स अगर हम हटा दें तो 2/4 विच गिव्स अस हाफ। तो अगर ऑप्शन चेक करते हैं इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए,